गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द सेम असाइनमेंट एंड हेयर यू कैन सी टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द सेम क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 43 ऑफ योर मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक. सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस इज वन साइड्स ऑफ अ शेप. कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 square centimeter. तो यहाँ पे आपको शेप की एक ही साइड दी गई है, आपको बाकी साइड बनानी है, ड्रॉ करनी है, जिससे कि इसका एरिया 4 square centimeter हो जाए. ना ज़्यादा होना चाहिए 4 square centimeters, ना ही कम होना चाहिए. ठीक है, तो बनाने की कोशिश कीजिए. अगर आपने भी बना ली है शेप पहले से ही तो उसको आप मैच कर सकते हो. ठीक है, तो आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके जैसे दिखने वाली लाइन इसके दूसरी तरफ बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया है, एक लाइन यहाँ लगा ली है और एक लाइन इस तरफ लगा ली है. ठीक है, जिससे हमारी शेप कंप्लीट हो गई है. अब इसका चेक करते हैं कि क्या इसका एरिया 4 square centimeter भी है या नहीं. तो काउंट करिए फुल शेप्स को, सॉरी फुल स्क्वायर को पहले, 1 2. तो आपके पास 2 full square आ गए और 2 full square का एरिया कितना होता है, 2 square centimeter. और बाकी स्क्वायर काउंट किए जो हाफ है, 1 2 3 4. तो हमारे पास 4, हमारे पास 4 half square भी हैं. और 4 half square का मतलब 2 full square, यानी कि 2 plus 2 is equal to 4 square centimeter. तो आप देख पा रहे हैं जो शेप आपके सामने बनी हुई है, ठीक है, जिसकी पहले सिर्फ एक ही साइड बनी हुई थी, हमने 2 साइड और ड्रॉ करके उसको कंप्लीट कर दिया, उसका एरिया 4 square centimeter है, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. तो आप भी अपनी बुक में और कॉपी में ऐसी शेप बना लें. ठीक है, और इसका एरिया है 4 square centimeter. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, पार्ट 2 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के. और पार्ट 2 में आपको क्या कहा गया, 2 sides ऑफ अ शेप आर ड्रॉन हेयर. कंप्लीट द शेप बाय ड्राइंग 2 more sides सो दैट इट्स एरिया इज लेस देन 2 square centimeter. तो यहाँ पे क्या आपको बताया गया है, आपको ये बताया गया है कि शेप के जो 2 sides हैं पहले से ड्रॉ हैं, आपने 2 side और ड्रॉ करनी है. 2 पहले से ड्रॉ हैं और आपने भी 2 और ड्रॉ करनी है, और 2 ऐसे ड्रॉ करनी है साइड्स कि इसका जो एरिया हो वो 2 square centimeter से कम होना चाहिए. ध्यान से सुने, 2 square centimeter से कम होना चाहिए. तो चलिए कोशिश करते हैं. तो आपके सामने शेप दिखाई दे रही होगी आपको, 2 line पहले से ड्रॉ हैं, 2 line आपने ड्रॉ कर दी हैं और एरिया 2 square centimeter से कम होना चाहिए. ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं. सपोज कीजिए कि हमने एक लाइन ऐसे लगा दी है, ठीक है, और दूसरी लाइन. तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो, आपके पास कितने स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे आपके पास सारे के सारे ऑलमोस्ट हाफ स्क्वायर हैं, 1 2 3 4. आपके पास 4 half square हैं, 4 half square से 2 full हो गए. पर ये आंसर नहीं निकला है हमारा अभी, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया या हमें बताया गया कि हमें यही बताया गया है कि हमें जो एरिया है उसका 2 square centimeter से कम रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी कि एरिया जो है वो 2 square centimeter से कम आना चाहिए. पर 2 lines लगाने के बाद अब हमारा एरिया आ गया 2 square centimeter, यानी कि ये जो शेप हमारी बनी है वो ठीक नहीं है, इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए करते हैं. तो हमने जो पहली शेप बनाई थी वो ब्लू लाइंस हमने लगाई थी, 2 black line पहले से लगी है. पर ब्लू लाइन लगाने से क्या हो रहा है, जो शेप का एरिया है वो कितना हो रहा था, टू स्क्वायर
सेंटीमीटर। पर क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है कि हमें एरिया को 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम पे रिस्ट्रिक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लाइन्स हमने लगाई थी उसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये पिंक कलर की लाइन दिख रही है, तो आपको एक्चुअल शेप ऐसे बनानी पड़ेगी, तभी उसका शेप का जो एरिया वो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होगा। ठीक है, आपको शेप को ऐसे बनाना है, दो लाइंस जो हैं ब्लैक वाली पहले से ड्रॉ हैं, दो आपने ड्रॉ करनी है, उनको बिल्कुल नीचे नहीं मिलाना है। अगर नीचे मिला दिया तो एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसलिए आपको लाइंस को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है, यहाँ तक। थोड़ा सा और नीचे ले जा सकते हो, पर यहाँ पे नहीं लेके आना। यहाँ पे अगर आपने इन दोनों लाइंस को ले आए तो एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप भी शेप बिल्कुल ऐसे बनाएं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पेज नंबर 43 के बाद इसके नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक और क्वेश्चन है। हेयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, हेयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रेक्टेंगल दिया आपको। इसमें क्या है, टू रोज दिख रही हैं। ऊपर वाली रोज में आपके पास 10 स्क्वायर हैं, ऐसे नीचे वाली रोज में भी 10 स्क्वायर हैं, तो 10 + 10 = 20, एरिया हो गया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें आपको उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो उसके पार्ट हैं ए बी एंड सी। तो हम बारी बारी से सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पार्ट ए में आपसे क्या कहा गया है, ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इंटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स। तो आपको क्या कहा गया, ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इंटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स। तो आपको ये कहा गया है, आपको इस स्क्वायर जो आपको रेक्टेंगल दिया गया है, इसमें एक लाइन लगानी है जिससे कि रेक्टेंगल 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाए। तो ट्राइंगल्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक लाइन लगाओगे डायगनली, डायगनली यानी कि इस साइड से ऊपर की तरफ, या फिर यहाँ से ऐसे, किसी तरह भी लगा सकते हो आप। चलो लगाइए, मैं भी लगाता हूँ। पहले शेप्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। तो इस तरह से आप भी एक लाइन लगा लीजिए, आपको स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए कहा गया है, हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी और आप देख रहे हो ये जो एक रेक्टेंगल है, दो इक्वल पार्ट्स या दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन ए के सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स। तो हर एक ट्राइंगल का एरिया कितना है, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया था कि इस रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर था, और हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन लगाई है डायगनली इस रेक्टेंगल के बीच से, ठीक है। उससे क्या हो गया, ये जो रेक्टेंगल है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, और हर एक ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा गया। तो पहले एरिया था 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमने क्या किया, बीच से एक डायगनली लाइन लगाई है। अब इस रेक्टेंगल से 2 इक्वल ट्राइंगल हो गए, और दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कितना होगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि जो ट्राइंगल्स हैं वो उस रेक्टेंगल, जो गिवन रेक्टेंगल है उसका क्या है, हाफ है। दोनों ट्राइंगल्स उसी रेक्टेंगल को डिवाइड करके, हाफ करके बनाई गई हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो आंसर आप लिखोगे, द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम पार्ट बी के पास चलते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। और उसके बी पार्ट्स में आपसे क्या कहा गया, ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इंटू 2 इक्वल रेक्टेंगल। तो आपसे क्या कहा गया, तो आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है रेक्टेंगल कि जिससे इस रेक्टेंगल के 2 इक्वल रेक्टेंगल्स हो जाएं, यानी कि जो रेक्टेंगल है 2 स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाए,
ठीक है, रेक्टेंगल को आपने बड़े रेक्टेंगल से दो छोटे रेक्टेंगल बनाने हैं, और दोनों के दोनों रेक्टेंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल, और जो आपके दो स्मॉलर रेक्टेंगल्स बनेंगे, ठीक है, उनमें से हर एक का एरिया आपको बताना है, क्योंकि दोनों ही स्मॉल रेक्टेंगल बराबर बनेंगे, दोनों का एरिया बराबर होगा। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तरीका क्या है इसको करने का, आप बिल्कुल बीच में से एक लाइन लगा सकते हो ऐसे। ये लाइन लगाने से क्या होगा कि आप देख पा रहे हो जो बड़े वाले रेक्टेंगल है दो इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया, और दोनों का एरिया बराबर है। ऊपर भी 10 स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, नीचे भी 10 स्क्वायर दिख रहे हैं, यानी कि हर एक रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर और 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक और दूसरा तरीका है जिससे आप कर सकते हो, मैं आपको क्या करना है, नंबर ऑफ हम स्क्वायर काउंट कर लेते हैं ऊपर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऊपर 10 स्क्वायर है और नीचे भी 10 स्क्वायर ही होंगे, तो 10 का हाफ होता है 5। तब आपको क्या करना है, अब आपको 5 स्क्वायर के बाद एक लाइन लगानी है, ऊपर से काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है, यहाँ पे आप बीच में से लाइन लगा दोगे, ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ भी दोनों तरफ 10 10 स्क्वायर हो गए, और जो बड़े वाला रेक्टेंगल था दो छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया, और हर एक रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 20 का हाफ कितना है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। चाहे आप नंबर स्क्वायर को भी काउंट कर सकते हो, 10 है दोनों तरफ, तो दो हर एक ट्रायंगल का एरिया, जो आंसर क्या आएगा, आंसर आप क्या लिखोगे, जैसा कि आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल, तो दोनों स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइंस इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे आपको ये क्या कह रहा है, आपने दो स्ट्रेट लाइन यूज कर दी है, ठीक है, पहली स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद इसमें से एक छोटा रेक्टेंगल बन जाना चाहिए, और दूसरी लाइन लगाने के बाद जो पार्ट बचा है उसमें से दो इक्वल ट्राइंगल्स बननी चाहिए। तो देखिए, पहले हम फर्स्ट स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, शुरू करते हैं, ये लाइन चाहे आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है, और चाहे यहाँ लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, या यहाँ पे भी लगा सकते हो, जहाँ आपको अच्छा लग रहा हो कहीं पे भी लगा सकते हो आप ये लाइन, और लाइन आपको ऐसे ही लगानी है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, राइट टू लेफ्ट नहीं लगानी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लगा सकते हो ये लाइन आप। तो मैंने ये लाइन यहाँ लगा दी, आपको दिखाई दे रही होगी ब्लू कलर की लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन तो हमने लगा दी है, अब एक और स्ट्रेट लाइन बची है। एक स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद क्या हुआ, मैं दिखाता हूँ अभी आप। एक स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद लेफ्ट वाला पार्ट था जो एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, कितने स्क्वायर दिख रहे हैं उसमें, 6, तो इसका एरिया है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। और बाकी राइट साइड वाले पार्ट में भी आपको एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, जिससे कि उस पार्ट के दो इक्वल ट्राइंगल्स बन जाएँ। तो लगाइए, तो ऐसे लाइन लगानी है आपको भी। तो आप क्या देख रहे हो, बाकी बचा जो पार्ट था उसमें से हमारे पास दो इक्वल ट्राइंगल्स आ गई हैं, ठीक है। तो सी का जो फर्स्ट पार्ट है जितना भी हमने पढ़ा था, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर दिए। ये हमारा पूरा हो गया। अब इसके भी दो पार्ट नीचे हैं, ठीक है, ये वाला हमने कर दिया है। अब इसके आपको नीचे दो पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, तो उनके ऊपर भी चलते हैं। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया आपको बताना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं, कितने स्क्वायर दिख रहे हैं आपको इस रेक्टेंगल में, 6, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया आपका, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आपको से पूछा गया, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है, अब टोटल एरिया कितना था,
टोटल एरिया हमारे पास था 20, ठीक है। 20 में से हमने एक रेक्टेंगल बना दिया जिसका एरिया है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 20 माइनस 6 कितना बचा है, 14। अब जो 14 जो एरिया आपका बचा है 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, वो कौन सा है, जो रेक्टेंगल से राइट हैंड साइड वाला जिसमें हमने दो क्या बनाए हैं, दो ट्राइंगल्स बनाए हैं, जो ट्राइंगल जिस एरिया में बनाए हैं उसका एरिया है 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 20 माइनस 6 जो है वो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया है। हमने 20 में से 6 को माइनस कर दिया, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, और 14 स्क्वायर सेंटीमीटर जो एरिया है वो दोनों ट्राइंगल्स का है, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को मिला के 14 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल, तो आपने हर एक ट्राइंगल यानी ईच ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का एरिया आपको बताना है, और एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 14 डिवाइडेड बाय 2, 14 के 2 पार्ट कर देने हैं, कितना आएगा, 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। मेरा जैसे एरिया 7 स्क्वायर सेंटीमीटर आया, आपका कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करेगा आप जितना बड़ा रेक्टेंगल बनाओगे, इधर इस रेक्टेंगल को आप यहाँ तक भी बना सकते हैं, यहाँ भी तक भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ तक बनाओगे इसका एरिया कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ तक बनाओगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। और जैसे जैसे आपके रेक्टेंगल का एरिया बड़ा होता जाएगा और ट्राइंगल्स का एरिया कम होता जाएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एरिया भी यही आए जो मैंने बताया, कि अगर आप रेक्टेंगल बड़ा बनाओगे तो ट्राइंगल्स का एरिया कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको समझ आ गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।